फ्रेंड, आज हम लोग आपके सामने पेश करने वाले हैं और ये इंडिया के सबसे प्रसिद्ध कलाकार है। और ये कलाकार को पहचान रहे हैं आप? नहीं पहचान रहे हैं आप? मैं से नाम ले दो तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। तो ये रागिनी राय हैं और ये बंगाल की लोक कला के लोकप्रिय जो है कलाकार है। इनकी जो कला की टेक्निक है वो अपने आप में बड़ी खास है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। तैयार है आप? आई होप अपने नोट्स वो वगैरह सब निकाल लीजिए। जब इस यूटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर जो भी फाइनेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसको नोट इसको याद कर रहा। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट से जो यामिनी राय जो है, यदि इनकी कला की शुरुआत हुई तो उन्होंने पोर्ट्रेट बनाकर स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग में आप लोग भी जो है स्केचिंग पोर्ट्रेट शेडिंग वैसे लोग आप लोग बनाते होंगे, तो जैसे ही यामिनी राय जी थे तो उनका जो पोर्ट्रेट बनाने की जो साधना उनका कला का शुरुआत जो है पोर्ट्रेट से हुआ है। एंड इनकी जन्म की बात करते हैं और इनकी अंतिम काल की बात करते हैं तो 1887 इनका जन्म होता है। इनकी जो अंतिम काल है वो है 1972 ये तिथि आपके सामने है। एंड बंगाल की लोक कला के लिए लोकप्रिय माने जाते हैं, जिसे बंगाल शैली के नाम से प्रसिद्ध है। एंड यहाँ पर बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में पटुआ कला जो है काफी ज्यादा चर्चित है, जिसको आपको ध्यान देखना है। ये दो कलाकारों से फॉरेन के दो कलाकार थे जिनसे वो प्रभावित थे, जिसका नाम वॉन गोंग था और माने था। वॉन गोंग जानते होंगे, वही व्यक्ति जो फाउल था, पाउल होकर अपने आप को गोली मार दिया था, जो कान काटने वाला जो कलाकार, यही कलाकार है। और काफी इसकी कलाकार को कला को देखेंगे तो वाकई में आप प्रभावित होंगे। माने के भी आप इनकी चित्र को देखिए, रियली में आप इनकी टेक्निक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे। तो हम इन सब चीजों को भी, तो ये जो यामिनी राय जी थे ये इससे काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी जो थे, जो राष्ट्रपिता जी थे, उन्होंने कहा है इनको जो है राष्ट्रवादी कलाकार कहा है। राष्ट्रवादी कलाकार इन्हें कहा है, ठीक है? किसे कहा है? यामिनी राय को कहा है। ये इन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर पेंटिंगें बनाई हैं, मतलब इन्होंने, तो आई होप इसके अलावा इंडियन कल्चर को बहुत ही ज्यादा काम किया इन्होंने, लेकिन साथ साथ इन्होंने ईसा मसीह की पेंटिंग बनाई है। इनकी जो पेंटिंग का माध्यम था वो टेम्परा रंग था, टेम्परा शैली तरीके थे। टेम्परे तरीके से ही आपको पता होना चाहिए कि वो काफी अच्छे से पेंटिंग जो है नुभर के आती है। इनकी जो प्रेरणा है, इन्होंने किससे प्रेरणा लिया है, तो ये कालीघाट की जो शैली है, कालीघाट पर जो शैली है उस शैली से वो प्रभावित होकर उन्होंने जो है अपनी अपनी नई शैली को, बंगाल की लोक कला को जो है बेहतर बनाने का प्रयास किया है। ये इसका सहायक निदेशक भी रहे हैं, कहाँ के जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के जो है सहायक रहे। कब कब तक देखो, 1926 से लेकर 1936 10 वर्ष तक तो है यहाँ पर सहायक निदेशक रहे हैं। एंड इन्होंने जो है फॉरन में जो है न्यूयॉर्क में जो है ACA एक संस्था है, एक जो है गैलरीज है, वहां पर 1950 में उन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी को शुभारंभ किया था। इनका जो अंतिम मृत्यु काल जो होता है इनका 85 वर्ष में 1972 में कलकत्ता में हो जाता है और यहाँ पर पॉइंट्स कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट्स को आपने, यदि कोई पॉइंट्स मिस कर रहे होंगे इसको नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। तो यामिनी राय के ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप तैयारी पूरे डट से करिए, पूरे मन से करिए, पूरे तन से करिए, जैसे भी हो आपने तैयारी को अच्छे से लगे मेरा उम्मीद है और आप अपनी तैयारी में बेहतर से बेहतर प्रयास करने में लगे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड।